साइट so, वर्ड्स या हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनको बच्चों को हम स्पेल आउट नहीं करवाते लेकिन उनको हम इतना लिखा हुआ दिखाते हैं या रीडिंग मटेरियल में इतनी ज़्यादा वो कॉमनली और फ्रीक्वेंटली आते हैं नज़रों के सामने कि वो देख देख के बच्चों को याद हो जाते हैं और इसी की मदद से बच्चों का जो रीडिंग का स्किल है वो डेवलप होता है और उनकी जो रीडिंग के साथ जो उनका लव है या कनेक्शन है वो बिल्ट होता है क्योंकि अगर एक पेज के ऊपर वो मैक्सिमम वर्ड्स बिना किसी डिफिकल्टी के पढ़ सकते हैं तो वो अगले पेज या अगले कॉन्टेंट को पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं किताब का सफर देख लीजिए दे आर सम साइट वर्ड्स मैंशन हेयर साइट वर्ड्स वो कॉन्सेप्ट है जिसको हमने कुछ प्ले ग्रुप में सीवीसी uh, वर्ड्स या राइमिंग वर्ड्स के कॉन्सेप्ट में भी सीखा है और कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियसली कुछ साइट वर्ड्स सीख चुके हैं तो उनको अपने टीचर्स एज अ री एनफोर्समेंट रखना है दीज साइट वर्ड्स आर सपोज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी फ्रीक्वेंटली अगर आप डेली नहीं तो कम से कम ट्वाइस अ वीक प्लान करें कि बच्चों से ये साइट वर्ड्स आज मैंने रिवाइज करवाने हैं चाहे वो लेसन का हिस्सा है या नहीं है जब हम बच्चों को बारी बारी लाइब्रेरी कॉर्नर भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि आप कुछ स्टोरी uh, में से कोई ऐसे वर्ड्स ढूंढ के लाओ या कोई ऐसी एक्टिविटी तो वी वी आर एक्चुअली इनकरेजिंग देम टू लुक एट दीज वर्ड्स अगेन अगेन तो आज हम इन साइट वर्ड्स को एक एक करके रिवाइज करते हैं टास्क है लुक एंड से नॉट लुक एंड रीड लुक एंड से सो द टॉपिक इज साइट वर्ड्स और ये है आज का हमारा मेन लेसन सो टीचर्स आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस जस्ट वंस और इसको फर्दर स्ट्रेंथन करेंगी आप बच्चों के साथ क्लासरूम में यही इंस्ट्रक्शन आपके लिए नीचे टीचर्स नोट में दी गई है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने किताब का सफा कर देना है साइट पे और मेरे साथ इन वर्ड्स को कम अज कम अज कम तो दो दफा रिवाइज करना है ताकि जब आप अपनी बुक पे ये वर्ड देखें तो जल्दी से पढ़ लें तो दर्ड यू सी ऑन स्क्रीन इज दे, दे। जैसे कि दे गो टू स्कूल दे आर बॉयज दे दिस इज द वर्ड आई 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 एम अ गर्ल टीचर्स साइट वर्ड्स को इनको आपने प्रोनाउंसिएशन के साथ सेंटेंस बना फॉर्मेशन में भी इनकी हेल्प करनी है एक्ट एक्ट लुक एट द वॉल लुक At the girl. From. From. Go bring, bring the book from the shelf. Take your book out from your bag. From. Happy. Happy. I am happy. Good. This is the word do. I can do this. I can do this. Hat. Hat. I have a hat. Play. Play. I like to play. Boy. Boy. Ali is a boy. Sad. Sad. I feel sad, sad. Man, man, that is a man. Small, small, my pencil is small. Girl, girl, I am a girl. Tall, tall.

वी प्ले इन दर्क द नेक्स्ट वर्ड इज शॉप वी गो टू द शॉप रोड द कार इज ऑन द रोड या आप कह सकते हैं दैट इज अ रोड टीचर्स बच्चों ने मेरे साथ कुछ फ्लैश कार्ड्स कुछ साइट वर्ड्स को रिवाइज किया एंड आई ट्राइट के बच्चे उसको किसी सेंटेंस के कॉन्टेक्स में भी अंडरस्टैंड करें अगर आप किसी न्यू लैंग्वेज को सीख रहे हैं और साथ साथ आप उसको बार बार ट्रांसलेट भी करते जाएंगे तो मल्टीपल प्रोसेसिंग में चिल्ड्रन विल गेट कन्फ्यूज सो द बेस्ट थिंग इज वट एवर यू ट्राइंग टू से शो द ऑब्जेक्ट और डू एन एक्शन फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन आई एम अ गर्ल तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी इन लफ्जों के साथ पहचान हो जाएगी तो अभी आपने बच्चों को लाइब्रेरी कॉर्नर में भेजना है कुछ फ्लैश कार्ड्स या ऑब्जेक्ट्स के ले आए या इन वर्ड्स के ले आए और उसके ऊपर जो है इसको इस तरह प्रैक्टिस करें जैसे अभी इन्होंने मेरे साथ की कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बोले अगर ये यही सेंटेंस बोल रहे हैं जो मैंने इनके साथ शेयर किया है या अगर आप इनको कोई बताएं तो लेट इट बी लेट दम बी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग अ न्यू लैंग्वेज देर लर्निंग सो प्लीज पॉज द वीडियो स्पीकिंग की ड्रिल के बाद टीचर्स अभी आपने बच्चों को जो वर्कशीट देनी है घर के लिए उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर साइट वर्ड्स जिनमें से इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स पहले ऑलरेडी भी पढ़े हैं तो आपने बच्चों को बार बार री करना है सो दैट व्हेन दे गो होम एंड ट्राई टू रीड दिस लिटिल स्टोरी दे शुड बी एबल टू रीड इट थ्रू हेल्प ऑफ साइट रीडिंग तो प्लीज बच्चों आपने टीचर के साथ बार बार इन वर्ड्स को रिपीट करना है रिवाइज करना है और घर जाके अपने मामा के साथ भी शेयर करना है कि आज हमने कितने सारे नए वर्ड सीखे और हर वर्ड के साथ एक हमने नया सेंटेंस सीखा टीचर्स इफ यू थिंक लेसन के हिसाब से दीज आर टू मेनी साइट वर्ड्स फॉर वन डे तो आप इस लेसन को दो दिन कॉन्टिन्यू कर लें या तीन दिन कॉन्टिन्यू कर लें डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एरिया है और वहाँ के बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स किस तरह की हैं अगर इंग्लिश इनके लिए टोटली एक नई लैंग्वेज है और उनके कुछ जो स्पोकन है वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है सो आप इन्हीं लेटर्स को या इन वर्ड्स को आप तीन दिनों में डिवाइड कर लें और फिर उस हिसाब से बच्चों को ले के चलें ये एडजस्टमेंट आपने अपने बच्चों की लर्निंग के हिसाब से करनी है कोई रिजिड टाइमलाइन प्लीज फिक्स ना करें कि आज ही इनको ये पंद्रह बीस जो है साइट वर्ड सिखा देने हैं बोलने भी आ जाएँ पढ़ने भी आ जाएँ दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दे दिस इज़ नॉट अ मैजिक हीयर आपने जो बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है बारी बारी उसको आपने प्लान करना है कि कोई चीज़ आप ग्रुप टास्क के जरिए करवाएं कुछ बोर्ड पर लिख के करवाएं कुछ फ्लैश कार्ड्स यूज कर लें डिवाइड द टास्क एंड कम अप विद डिफरेंट आइडियाज फॉर एंगेजिंग दैम थ्रू एक्टिविटीज़ क्योंकि जब बच्चों ने इस चीज़ को लिखी हुई देखते ही पढ़ ली तो इसका मतलब है कि आपके तमाम एफर्ट्स जो हैं वो रायगा नहीं गई बच्चों ने लर्निंग की है और दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दैम अंडरस्टैंड साइट वर्ड्स सो प्लीज़ कैरी ऑन विद द लेसन टेक केयर अल्लाह हाफिज़